एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सक्करदरा थाना क्षेत्र में युवक को मारा चाकू, आज से प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपयों में, अब पहली कक्षा से स्कूल शुरू। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। सक्करदरा थाना क्षेत्र में तीन आरोपियों ने युवक युवती को लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपियों ने युवक पर चाकू से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। पुलिस ने विश्व शांति नगर निवासी तनुश्री शैलेश रामटेके की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। जख्मी रोहित कुंडलवार का उपचार जारी है। रोहित और तनुश्री मंगलवार रात 11:30 के दौरान दुपहिया वाहन पर घर जा रहे थे। झाड़े कॉर्नर के पास दुपहिया वाहन पर पीछे से आए तीन आरोपियों ने उन्हें रोका और गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान आरोपियों ने रोहित से उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। रोहित ने विरोध किया तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। एक आरोपी ने रोहित की गर्दन और कंधे पर चाकू से वार कर जख्मी कर दिया। तनुश्री घबरा गई और चीख पुकार शुरू की। इसी दौरान आरोपी भाग निकले। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सक्करदरा पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपियों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ की है। दूसरी खबर, देश भर में 3,500 से अधिक यात्री ट्रेनों को स्पेशल दर्जा समाप्त करके रेगुलर में बदल दिया गया है। नंबर अपडेट का भी काम पूरा हो चुका है। यात्रियों को मूल किराए में 15-30% की राहत भी मिलने लगी है। लेकिन सवाल उठ रहा था कि नागपुर स्टेशन पर अब भी प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए में क्यों दिया जा रहा है। इस बारे में मुंबई अधिकारियों से बात करने के कुछ देर बाद ही जानकारी मिली कि अब मध्य रेल के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए कर दिया गया है। हालांकि पहले अधिकारियों ने कहा था कि जल्द ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। तीसरी खबर, फिलहाल कोरोना के राहत के बाद से शहर में 8वीं से 12वीं और ग्रामीण भागों में 5वीं से 12वीं तक स्कूल शुरू है। लेकिन टास्क फोर्स ने पहली कक्षा से स्कूल शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने 10 दिनों के भीतर नियमावली सहित अन्य तैयारियां पूरी करने की जानकारी दी है। गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे पर फैसला किए जाने की उम्मीद है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं।